हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द हाउसवाइफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आजकल के हमारे इस युग में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक कॉमन बन गई है और जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। चाहे हम जितना भी उसको ध्यान रखें, हम उससे परेशान होते ही रहते हैं। और ऐसे बीमारियों में से एक है मोटापा, ओबेसिटी, वेट गेन। आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई परेशान है अपने मोटापा के लिए, हर कोई अपने बॉडी के लिए परेशान है। और कुछ भी अगर ना भी करे तो भी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि ये ओबेसिटी, ये जो मोटापा है वो आ ही जाता है। तो उसको फिर दूर करने के लिए हम काफ़ी मेडिसिंस लेते हैं और हमारे डाइट प्लान में भी हम काफ़ी चेंजेस करते हैं और ख़ास करके हम डाइट फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। मगर दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि डाइट फूड जो होता है वो टेस्टी नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि हम कुछ दिन वो डाइट फूड खाते हैं फिर उससे बोर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, वो टेस्टलेस होता है। तो हम फिर से वही अपना रूटीन स्टार्ट कर देते हैं खाना पीना, उससे क्या है कि हम और भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि आपको उस थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, थोड़ा सा टेस्ट आ सकता है आपके इस डाइट फूड में। और उस रेसिपी का नाम है धनिये की चटनी। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हम तो खाते ही है। आज इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो जिससे कि वो आप ये इस चटनी को आप हैज ए डाइट चटनी भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये धनिया, ये मैंने फ्रेश कोरिएंडर लीजिए, रफ उसको मैंने कट किया है। उसके बाद 3 से 4 ग्रीन चिली, ये चिली बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है तो आप अपने हिसाब से लीजिए। 1 टुकड़ा आलू का टुकड़ा और ये जो है वो सिंग पीनट, ये मैंने आधी कटोरी लिया है। ये पीनट इसलिए लेना है ताकि वो जो हमारी चटनी है वो थोड़ी सी थिक बन जाए और थोड़ा टेस्ट भी उसमें आएगा। सोल्ट टू टेस्ट और लास्ट बट नॉट लिस्ट ये है फुदीना मिंट, जो कि मैंने घर पे उगाया है और मैं इसको ऐसे ही यूज़ करके इसमें डालने वाले हूँ। और 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच लीजिए दही। योगर्ट, जैसे कि हमें पता है कि योगर्ट और मिंट दोनों ही मोटापा कम करने के लिए हम उसको खाते हैं, उसको यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले दही जो है वो बड़े चम्मच लेने हैं, मैं दो बड़े चम्मच लेती हूँ दही के। दही जो है वो यूज़ होता है हमारा मोटापा कम करने। ये 2 बड़े चम्मच दही है। उसके बाद जो ये ग्रीन चिली है और ये आलू का टुकड़ा है, वो आलू का टुकड़ा ऊपर डालिएगा, ग्रीन चिली पहले डाल दीजिए, ये ग्रीन चिली। उसके बाद ये कोरिएंडर, आप देख रहे हैं कि मैंने कोरिएंडर में ये डंडिया रखे, इसमें जो टेस्ट, उससे क्या होगा कि धनिया की टेस्ट भी आएगा और स्मेल भी इस डंडियों की वजह से अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने ये डंडिया रखी। मगर मोटी डंडिया नहीं रखनी हमें, जो डंडिया यूज़ हम करते हैं वो पतली पतली है, वो ही यूज़ करना। अदरवाइज मोटी डंडिया से क्या होगा, वो ठीक से क्रश नहीं होगा और आपके मुँह में आएगा, जो कि अच्छा नहीं है, टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। उसके ऊपर पीनट, उसके बाद आलू का टुकड़ा, सोल्ट टू टेस्ट। जैसे कि मैंने कहा, ये ऐसे ही इसमें बहुत ही बढ़िया स्मेल आती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप घर पे ही अपना जो भी वेजिटेबल्स और वह है वो उगाइए। ये मिंट में इतनी बढ़िया सी स्मेल, इतना सा है मगर इतनी बढ़िया सी स्मेल आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आप अनुभव करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और मैंने
और मैंने ये मिंट का वीडियो डाला हुआ है कि मिंट को कैसे करना है, तो आप ये ज़रूर देखिएगा। जैसे कि हम बाहर के मिंट लाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हम पत्तियाँ डालें तब जाके उसमें स्मेल आती है, इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ हैं मगर बहुत ही अच्छा टेस्ट भी इसका है और बहुत ही बढ़िया स्मेल भी है इसकी। ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर और अब हमें उसको मिक्सर को चला देना है, क्रश करना है। तो लीजिए दोस्तों, बन गई हमारी डाइट चटनी। इस चटनी को आप ब्रेड के साथ, चपाती के साथ या आप कोई भी फ्राइड आइटम के साथ इसको खाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसमें आप दही की जगह लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं मगर दही से टेस्ट बहुत ही अच्छा उसका आता है। और इसमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स डलते हैं और आपके बोरिंग डाइट फूड में ये आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये थोड़ी खट्टी भी है, थोड़ी स्पाइसी भी है और थोड़ी टेस्टी भी है। दोस्तों आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आप अपने डाइटिंग में ये उसको शामिल करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि उसका आपको हेल्प होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये काफ़ी हेल्प हुआ है। मैं भी बोरिंग डाइट फूड खा के बोर हो गई थी, उसके बाद मैं ये चटनी बना के ब्रेड के साथ खाती हूँ तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प होता है और मेरा वेट भी काफ़ी लूज़ हुआ है इस चटनी की वजह से। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई चैनल, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही चीज़ें मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।